दोस्तों सब्सक्राइब करें आरजे अरेना चैनल को और घंटे को दबाएं जिससे आप आने वाले लेटेस्ट वीडियो देख पाएं सबसे पहले। स्मार्टफोन का स्टेटस बार आईफोन के स्टेटस बार की तरह चेंज करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी स्मार्टफोन का स्टेटस बार आईफोन की तरह बनाने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक APK फाइल और दूसरा एक बैकअप फाइल। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से उन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने APK फाइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। APK फाइल इंस्टॉल करते ही आपके नोटिफिकेशन पैनल में कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पर एक्टिवेट एंड रिबूट पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल अपने आप रिबूट हो जाएगा। सो मैं भी यहाँ से इसे रिबूट कर लेता हूँ। A few moments later. So, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फोन रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद मेरे फोन का स्टेटस बार टोटली चेंज हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हमें अपने फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ बैकअप फाइल को कॉपी करना है। सो जैसा कि मैंने उसे डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड फोल्डर में होगा वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल, इसे कॉपी करना है, कॉपी, और उसके बाद अपने फ़ोन स्टोरेज के डेटा में जाना है। डेटा के बाद इस सेक्शन में जाना है, com.bochrao.exposed.fsbi। यहाँ पे जाना है, उसके बाद बैकअप में जाना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हो गया। अब आपको होम पे जाना है। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल किया हुआ APK फाइल ओपन करना है। यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फाइल फिर से यहाँ पे आया हुआ है। अब इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, रिस्टोर सेटिंग्स विल बी अप्लाइड आफ्टर रिबूट। अब आपको ओके पे क्लिक करना है, होम पे जाना है और अपने डिवाइस को फिर से रिबूट करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे रिबूट कर देना है। सो मैं भी इसे रिबूट कर लेता हूँ। A few moments later. So, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन रिबूट हो चुका है और मेरा स्टेटस बार बिल्कुल ही आईफोन की तरह दिख रहा है। इसके नेटवर्क्स या इसका क्लॉक या फिर इसके बैटरी या फिर मैं आपको और भी चीज़ें इनेबल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लूटूथ का साइन भी आ चुका है जो बिल्कुल ही आईफोन के आइकॉन की तरह दिख रहा है और हॉटस्पॉट का भी आइकॉन आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे सभी चीज़ें बिल्कुल भी आपको आईफोन की तरह ही मिलेंगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस ऐप में थोड़ा बहुत चेंज किया है, मतलब यहाँ पे जैसा कि अगर आप अलार्म में जाते हैं तो मैंने यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल आइकॉन था वो मैंने चेंज किया है। इसके बाद अगर आप साउंड में जाते हैं तो यहाँ पे साइलेंट के जगह पे अगर आप अपना प्रोफाइल साइलेंट रखते हैं तो आपको ये आइकॉन दिखेगा, ना कि इसमें से कुछ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट आपका स्टेटस बार बिल्कुल ही आईफोन की तरह दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस किए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे म्यूट करता हूँ ये तुरंत ही आईफोन के स्क्रीन ओरिएंटेशन लॉक की तरह दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप वाइब्रेट पे भी रखते हैं तो आपको सेम वही आइकॉन दिखाई देगा। और इसके अलावा हेडफोन में आप अपने हिसाब से जो भी चूज़ करना चाहे चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस आइकॉन को भी चूज़ कर सकते हैं जो कभी कभी आईफोन में दिखाई देता है। ये रेगुलर तो नहीं होता बट फिर भी कभी कभी दिखाई देता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। फिलहाल तो मैं इसे यही रखता हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये कैरियर में, अगर आप ड्यूल सिम यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ जियो दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोनों टेक्स्ट दिखे तो आपको सिंपली यहाँ से इसे कट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो ऐसा दिखाई देगा। बट ये थोड़ा अनोइंग लगता है ये हमेशा, क्योंकि चेंज होता रहता है जियो 4G और आइडिया में, तो इसलिए मैंने उसे कस्टम टेक्स्ट पे रखा था। आप चाहे तो उसे अपने हिसाब से जो चाहे वो नाम देख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इसे जियो ही पसंद करूँगा रखना।
इसलिए मैं यहाँ पे जियो रख देता हूँ। ओके, और इसके अलावा अगर हम मोबाइल डेटा में जाते हैं और कनेक्शन टाइप टेक्स्ट में जाते हैं, सो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन 4G हो, 3G हो या फिर कोई भी हो, या आपको LTE ही शो करेगा, आप चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर समझो कि आपको 4G ही दिखाना है, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है, बस हो गया और कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से 4G आ चुका है, लेकिन मुझे LTE ज़्यादा पसंद था इसलिए मैं उसे LTE ही यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ फिर से उसे कर देता हूँ 4G और यहाँ पे LTE अप्लाई। देखिए फिर से LTE हो गया। सो इसी तरह से आप भी अपने स्मार्टफोन का स्टेटस बार बिल्कुल ही आईफोन की तरह चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको कोई थोड़ी बहुत भी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगर फिर भी आप...